पनागर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल क्रिकेट का सट्टा खिलाते कई सटोरियों को गिरफ्तार किया है। दो मोबाइल, एलईडी टीवी, सेट बॉक्स, सट्टा पट्टी व एवं नगद 77,400 रुपए जब्त कर पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह द्वारा चल रहा। थाना प्रभारी पनागर अजय सिंह ने कहा है कि दिनांक 22/5/2024 की रात्रि में क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कृष्ण कुमार पटेल अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एवं राजस्थान रॉयल के बीच चल रही आईपीएल मैच टीवी से देखकर अपने मोबाइल से हार जीत की बाजी लगा रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना पनागर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, जहां एक व्यक्ति रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एवं राजस्थान रॉयल के बीच चल रही आईपीएल मैच को टीवी स्क्रीन में देखते हुए मोबाइल के माध्यम से हार जीत का दाव लगाते हुए मिला, जिसके मोबाइल पर यूआरएल के माध्यम से आईपीएल मैच देखना बताया है एवं ओप्पो के माध्यम से देखकर एक वीवो मोबाइल से सट्टे की आईडी खोलकर तथा टीवी स्क्रीन में उक्त आईपीएल मैच देखकर सट्टा पर्चे लिखना स्वीकार किया। सर, जानकारी मिली है कि आईपीएल सट्टा खिलाते और कुछ और अन्य सटोरियों की कुछ कार्रवाई की गई, कैसे क्या पूरा मामला? थाना पनागर अंतर्गत कुछ शिकायतें मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व सट्टे का खेल खिला रहे हैं और आईपीएल सट्टे में भी संलिप्त है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई, पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश हैं कि कहीं भी सट्टा नहीं होगा। तत्काल उनके निर्देश का पालन करते हुए और एडिशनल एसपी सीएसपी मैडम के निर्देशन पर एक टीम बनाई गई, क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया और कृष्ण कुमार पटेल निवासी पनागर को आईपीएल सट्टे में गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ उसके पास से सेटअप बॉक्स, 4 मोबाइल, 77,000 रुपये नकद, टीवी, स्मार्ट टीवी जब्त की गई है। उसमें जांच दौरान ये आया कि उसके साथी रिंकू पटेल और चंद्रेश केवट ये भी आईपीएल सट्टे में संलिप्त हैं, उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। इसी मुहिम के दौरान अन्य सटोरियों के खिलाफ, जिसमें आज दुर्गेश राय, भोला श्रीपाल, नितिन पटेल, मोनू ठाकुर और संजू दाहिया के विरुद्ध भी सट्टे की कार्रवाई की गई है और इन सबके विरुद्ध 151 की कार्रवाई भी की गई है। ये सब कार्रवाई सतत जारी रहेगी।